वो फ्रैक्चर, जैसे देखो जो दिक्कत हमारे साथ हो रही, बहुत सारे बच्चों के साथ भी तो हो रहा होगा, किसी का नेट हो, इसलिए रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो। चलो तो शुरू करो। हाँ तो देखो, मोल फ्रैक्शन मैंने बताया था, इसको कैसे डिनोट करते हैं बताओ, कैसे डिनोट करते हैं? और ये होता क्या है बताओ, क्या होता है? मोल मोल सॉल्यूट ऑफ वन टोटल नंबर, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन बाय मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल ऑफ सॉल्यूशन मतलब किसका किसका मोल हुआ बताओ? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। समझ गया कि नहीं समझ गया? समझ, बोलो पक्का है ना? तो ये ध्यान दीजिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट की टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इसको वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट नंबर है। हमेशा कम एन होता है, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है बताओ? फ्रैक्शन का क्या मतलब है? कम एन होगा, मतलब तब पार्ट होता है, फ्रैक्शन कहीं भी आएगा तो पहला देखो, टू मोल यूरिया इन वन 180 ग्राम वाटर, पहला ये लिख लिया, ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे, मैं ऊपर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, 1/9 चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं, 1/5 अगला, 1/6 यस सर, 1/6 दूसरा, 180 ग्राम ग्लूकोज इन 540 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, तो चलो पहले का क्या होगा बताओ जल्दी से, पहले का क्या होगा बताओ? 1/6 सर, 1/6 आ रहा है। वाटर का वेट, वाटर का वेट दिया तो वाटर का मोल निकालेंगे, बोलो 1/6 सर, कितना आएगा बताओ? टेन आएगा, यस सर, यस सर, यस सर, 1/5 कर देंगे तो अब यहाँ देखो, मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन यूरिया का कितना होगा बताओ? यूरिया का मोल 2/12 सॉल्यूशन का मोल, यूरिया का सॉल्यूशन में दोनों लेना पड़ेगा, बोलो यस सर, 1/6 सर, यस 1/6 तो कितना आएगा आंसर बताओ रुद्र? 1/6 चलो अब अगलका क्या किया जाए बताओ, अगलका में कितना ग्लूकोज है बताओ? मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है बताओ? 2 मोल, 2 मोल और सर 1 मोल, 1 मोल, 1 मोलर मास ग्लूकोज 180 ना, उसका मोलर सर 1 मोल। अब मुझे बताओ इसमें सॉल्वेंट कितना है, वाटर कितना है? वाटर 2 मोल, 40 ग्राम, 340 ग्राम, 2 मोल है, 360 ग्राम। देखो वाटर कितना है, 360 ग्राम कितना है, सॉल्यूशन 20 मोल हो जाएगा, 540, सुनो मेरी बात, 540 कितना है बताओ? 540 -180 -120 सर, अब वाटर का वैल्यू आ जाएगा 1/21 मोल कितना आएगा बताओ? मोल बताओ, मोल 20 मोल, 20 आएगा,
ये सब गलती ना करना, मैं बता रहा हूँ, जोड़ते हैं दोनों का, 1/21 होगा, समझ गया? यस सर, यस सर, बोलो, यस सर, यस सर, यस सर, बोलो मिटा दिए, बोलो मिटा दें, नो सर लिख रहे, यस सर मिटा दीजिए, मिटा दीजिए सर, हो गया, ना लिख लेना, लिख लेना, रुद्र लिख रहा, लिखने दो, रुद्र लिख लो, सर तो अब ध्यान देना, यहाँ पे एक सवाल और कर लो, उसके बाद तब हम लोग आगे। तो मैं कह रहा हूं 1 mole A एंड सम मोल बी, बी मिक्स्ड, इफ मोल फ्रैक्शन of B is 0.8, find mole, find its mole. क्वेश्चन पढ़ो शिवांश, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है पढ़ो, तुम आंसर तो बनेगा नहीं सर। 1 mole A and some thirteen makes four, 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 four होगा, find its mole, four हो जाए, four mole, चार बी बाय एट बाई टेन हो जाएगा, तो उसे रिड्यूस करेंगे 4/5, तो वही 1 डिफरेंस हो जाएगा, तो वही आंसर होगा। तो जल्दी जल्दी करो, देखो कैसे होगा, बता रहा हूँ मैं तरीका, समझो कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी का मोल नहीं पता तो लेट कितना मान लें सर? बी मान लें, सर कुछ नहीं मान, बी मोल ही मान लेते, कुछ नहीं मान लीजिए सर, बी मोल ही मान लेते, तो बी बाय 1 प्लस बी इक्वल टू 0.8। अब मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बी का, बी का मोल बटे टोटल मोल कितना, 1 प्लस बी होगा, यस इक्वल टू 0.8। तो बताइए दिस इंप्लाई दैट बी का मोल कितना आएगा, निकाल लोगे यहां से बी सर? 4, यस सर, 4, 4 मोल, 4 मोल, समझ गया कि नहीं समझ गया सब लोग? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, समझ गया, बोलो समझ गया सब लोग? यस सर, यस सर, इसको मिटा दें? यस सर, यस सर, यस सर, चलो वेरी गुड, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अब ध्यान देना थोड़ा सा, है ना, कि जिस तरह से हमने कहा था कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का मैंने क्या लिखा था, बताओ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का मैंने क्या लिखा था, बोलो, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अपन मोल ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। उसी तरह से अगर हम मोल, देखो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन होता है, रिप्रेजेंटेशन है ये, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का क्या लिख सकते हैं बताओ, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, जोड़ने के बाद देखो तो कितना आ रहा है बताओ, तो 1 आ जाएगा, 1 1 दोनों ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, नीचे भी मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल ऑफ सॉल्यूट और सर इसका सिंबल कुछ पाइक तरह काई होता है, काई क्या आएगा देखिए, तो हाँ क्या आएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट आएगा क्या ऊपर में, बोलिए, यस यस और सॉल्यूशन में क्या रहा है, मोल ऑफ सॉल्यूशन, यस सर, यस सर, कट के कितना आ गया बोलिए, 1 आया, यस सर, क्लियर,
तो याद रखना है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है? लिख लीजिए, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन वन होता है, इज वन, इज वन, लिख लो सब लोग। अभी डिफिनेशन बताए, फिर सवाल कराएंगे अभी बारी बारी से सब पे अच्छे से, लेकिन डिफिनेशन हमारा बताया ना, डिफिनेशन पर आज खत्म कर ले सब। पीपीएम बताएंगे तो सातों यूनिट हो जाएगा ना, बोलो बोलो। सात तो हो जाएगा ना, सात को है सात तो हो जाएगा। तो चलो अगला हम बात करते हैं पीपीएम का। पीपीएम का क्या मतलब होता है बताओ? पार्ट पर मिलियन। लिख लो, पार्ट पर मिलियन, समझ गए? बोलो यस सर। बोलो तो देखो, अब ppm यही होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटे में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ppm होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटे में क्या होता है बताओ? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन में कौन कौन लोग होंगे बताओ? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट प्लस क्या होता है? सॉल्यूट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बोलो यस सर। बताइए टेम्परेचर डिपेंडेंट की टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? अमाउंट है तो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। बाय मास होगा कि बाय वॉल्यूम? इन जनरल बाय मास होता है या बाय मोल होता है सर? क्योंकि सर कभी कभी सर जो पीपीएम क्या होता है, कभी बाय मास दिया होता है क्वेश्चन में, कभी बाय वॉल्यूम, कभी कभी। नहीं मैं कह रहा हूँ जनरली बाय मास होता है या बाय मोल होता है। मोल को अगर गैस है तो मोल को वॉल्यूम भी लिया जा सकता है, समझ गए? यस सर। बोलो बट फिर से अमाउंट दिखाऊं, क्योंकि अमाउंट में इन जनरल जो होता है भाई मास होता है, अगर भाई वॉल्यूम भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इन जनरल भाई मास होता है, इसलिए इसको हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। या इसलिए मैंने अमाउंट लिखा, अमाउंट को तुम जैसे चाहो ले सकते हो, है ना, चाहे तो वॉल्यूम में ले लो चाहे वेट ले लो, लेकिन इन जनरल हम किस में लेते हैं अमाउंट को? इन जनरल किस में लेता बताओ? मास। समझ गए? चलो खैर, अब यहाँ बात करते हैं, बस खत्म होने वाला है, तो मुझे बताओ यहाँ पे। अब जैसे देखो पीपीएम जानते हो, स्पेशली हम तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट कम रहे कि बहुत कम रहे। बोलो सॉल्यूट लेस की वेरी बहुत कम, मल्टीप्लाई तो लिख लीजिए पीपीएम इज यूज व्हेन सॉल्यूट इज वेरी लेस। पीपीएम यूनिट यूज व्हेन सॉल्यूट वेरी लेस, व्हेन सॉल्यूट जैसे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन निकालने के लिए। हाँ वेरी लेस सर, वाटर में कंटामिनेंट के लिए आता। अरे मुझे तुम्हारे घर में आरओ है, आता है चेक करने वाला, आरओ चेक करने वाला है। पीडीएस। अब मुझे बताओ आरओ चेक करने वाला आता है, तुमको देखने में क्या लगता है? पानी साफ की गंदा? साफ साफ पानी तो बिल्कुल साफ लगता है, पानी साफ ही रवे करता है। जय कंपनी वाले को बुलाएगा, तय को बताएगा, एक वाला आएगा करना सही है, दूसरा वाला आएगा ना गलत है आपका। देखिए 200 पीपीएम 400 पीपीएम, समझ रहे हो? जितने लोग आएंगे उतने लोग अपना बहाना बनाएंगे, समझ रहे हो? और मनी अपना है ना। तो चलो खैर, मिला जुला के वाटर में जो इम्प्यूरिटी है वो कम की बहुत कम, बहुत कम। उसको हम किसमें मेजर करते हैं? पीपीएम में। किसमें मेजर करते हैं? पीपीएम। पीपीएम में दिखाता है, वो पीपीएम दिखाता है। या एयर में जो हम मेजर करते हैं धूल, अब ऐसा थोड़ा कितना ज्यादा धूल है, बहुत कम एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेजर करते हैं, इसमें मेजर करते हैं पीपीएम। पीपीएम समझ गए? वो सब पीपीएम में होता है, समझ गए? पीपीएम मिटाते हैं सर। सॉल्यूट अमाउंट और सॉल्यूशन मतलब दोनों सेम ही में लेंगे, यानी कि एक का मास तो दूसरे का मास ही लेना होगा ना? हाँ होगा, दोनों का सेम लेंगे। अब यहाँ देखो, ये यहाँ वेरी लेस होता है, मुझे बताओ
अगर सॉल्यूट बहुत कम है तो सॉल्यूशन को लगभग लगभग सॉल्वेंट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोलो। जैसे कोई एक ग्राम, जैसे मान सकते हैं हमने बोल दिया एक ग्राम साल्ट इन इतना ग्राम वाटर, तो सॉल्यूशन कितना ग्राम का होगे बताओ? इतना प्लस ग्राम वाटर लिखे हैं, एक लाख ग्राम, 10,001 लगभग सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं 10,000 सर बोल सकते हैं, लगभग लगभग 10,000 होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर बोलो बोलो। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखो फार्मूला ये याद रखना कि अमाउंट ऑफ सॉलिड बटे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन न्यूमेरिकल सोल्व करते समय किसका अमाउंट नीचे लेना बताओ? सॉल्वेंट 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 का, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन लोगे तो गुना भाग बढ़ जाएगा, तो किसका लेके कैलकुलेशन कर सकते हो? सॉल्वेंट को लेकर, समझ गए? क्यों क्यों? क्योंकि सॉल्यूट 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 इतना कम होता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, समझ गया जोड़ने से? बोलो है ना, तो ध्यान देना। तो जैसे क्वेश्चन लिखो, देखो 1 ग्राम सॉलिड प्रेजेंट इन 10 kg वाटर, व्हाट इज ppm कंसंट्रेशन? 1/10। 1 ग्राम सॉलिड प्रेजेंट इन 10 kg वाटर, 10 व्हाट इज ppm कंसंट्रेशन? क्वेश्चन समझो पहले, 1 ग्राम सॉल्यूट इन 10 kg वाटर, वाटर व्हाट इज ppm, व्हाट इज ppm? ब्लर है, कंसंट्रेशन सही है सर, HD चलो यार थोड़ा ब्लर सही है, व्हाट इज ppm? तो पहले देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे, पहले मुझे बताओ सॉल्यूट कितना है, बताओ सॉल्यूट कितना है बताओ रुद्र? लॉट 1 ग्राम, 1 ग्राम, 10 की पावर 2 हो जाएगा 100। सॉल्वेंट बताओ, सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट 10,000 10 टू द पावर 4 ग्राम, 10,000 ग्राम है, बोलो। यस 10 टू द पावर 4 सर 100 होगा, 100 बोलो। अब बताओ सॉल्यूशन कितना लिख दे, सॉल्यूशन 10 टू द पावर 4 10,000 ग्राम। कुछ फायदा है इसको, लगभग लगभग 10,000 नहीं कर सकते हैं? ये जोड़ने से कुछ फायदा नहीं है, कोई लोग सोच रहा है कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो फायदा नहीं है, तो अप्रॉक्स में ही आ जाएगा 10,000, समझ गए? यस सर। तो बताओ आप अब ppm क्या लिखोगे? ppm 10 टू द पावर 6 ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन होता है ना, पार्ट पर मिलियन, क्लियर की नॉट क्लियर बोलो? क्लियर सर, डियर सर बोलो। यस सर।